नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फास्ट मनी में। मैं हूं सुमित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप। और इंटरडे की तैयारी करते हैं, जिसमें हम आपको 20 ऐसे स्टेट्स बताते हैं जिनमें आज कमाई के काफी अच्छे मौके देखने को मिलेंगे, या तो फिर बिकवाली के या फिर खरीदारी के ट्रेड्स आपको बताए जाते हैं, जहां पे इंटरडे में काफी अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो न्यूज फ्लो के बेसिस पे हो, रिजल्ट्स के बेसिस पे हो, या तो फिर सेंटीमेंट के बेसिस पे हो, या तो फिर टेक्निकल कॉल्स हो। उन्हीं स्टॉक्स की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्यूज की बात कर लेते हैं किस तरह के हैं। कल हमने देखा था सुमित, कल भारी बिकवाली थी, खराब दिन था बहुत ज्यादा ग्लोबल मार्केट्स के लिए, इनफैक्ट काफी खराब दिन था। लेकिन आज जो संकेत हैं वो इनफैक्ट पुल बैक के देखने को मिल रहे हैं, थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है। यूएस के मार्केट से जो रिकवरी है वो शुरू हुई, यूएस के मार्केट्स हैं उनमें करीब 0.5% के आसपास ही गेंस कल देखने को मिले, और यही कारण है कि आज एशियन मार्केट की शुरुआत है वो पॉजिटिव साइड पे देखने को मिली, और एसजी निफ्टी में करीब 60 अंकों के आसपास की गेंस है, 9850 के आसपास के जो लेवल्स हैं अब भी देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए कल एक खराब दिन था, और आज जिस तरह के संकेत है एक पुल बैक, एक जो रैली है निचले सरों से वो आज देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए राहत के संकेत आज इंडियन मार्केट्स के लिए कह सकते हैं, करीब करीब 56 अंक ऊपर है। लेकिन संदीप ये भी है कि अगर एक्सपायरी को भी मार्केट तवज्जो देता है आज के लिए, तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग भी काफ़ी तक सपोर्टिव होते हुए दिखाई पड़े। बाजार में तेज़ी गैप अप ओपनिंग होती है और ये सस्टेन कर गई अगर सेकेंड हाफ तक, तो शायद शॉर्ट कवरिंग स्कोर फर्दर सपोर्ट आता हुआ भी दिखाई पड़े, जो कि शॉर्ट्स नए क्रिएट हुए होंगे। बहरहाल ये तो रहे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का संकेत, लेकिन कुछ कॉल्स जो कि हमने कल आपको बताई थी उनका एक बारी रुझान देख लेते हैं। कल आपको फास्ट मनी में बिकवाली कॉल दी गई थी बैंक ऑफ बड़ौदा, उसका लक्ष्य अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा, 140 रुपये का लक्ष्य था, उसने अचीव किया। उसके अलावा कल डिस्पाइट मार्केट में एक सेल ऑफ था, आपको खरीदारी कॉल दी गई थी रत्नामणी मेटल, वहाँ पर भी लक्ष्य अचीव हुए ना केवल, बल्कि ये शेयर ऊपर भी बंद हुआ, अपने लक्ष्य 866 रुपये के स्तरों पर शेयर ने क्लोजिंग दी है। इसके अलावा टिन प्लेट में खरीदारी की राय दी गई थी, यहाँ पर भी लक्ष्य अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा, 157 रुपये का लक्ष्य था, शेयर ने वो अचीव किया, और हालांकि क्लोजिंग उसके आसपास ही आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा खरीदारी की राय थी मैग्मा फिनकॉप में, यहाँ पर भी 181 रुपये का लक्ष्य था, लक्ष्य अचीव हुआ। उसके बाद शेयर में थोड़ी बिकवाली ऊपर से जरूर देखने को मिली, लेकिन टारगेट सेट होते हुए दिखाई पड़े मैग्मा फिनकॉप के भी। साथ ही साथ आपको खरीदारी की राय दी गई थी HPCL में भी कल, OMCs में वैसे भी एक बड़ा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा, एक पॉजिटिव मूव आता हुआ दिखाई पड़ा, 475 रुपये के टारगेट्स के लिए आपको यहाँ पर खरीदारी की राय दी गई थी, 466 रुपये के लेवल्स पे शेयर क्लोज हुए, अपने लक्ष्य भी अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब आज के ट्रेड्स की बात कर लेते हैं सुमित। ज़्यादातर ट्रेड्स में आज आपको खरीदारी के बताऊंगा जैसे संकेत बेहतर है, तो उस लिहाज से शुरुआत में एक पॉजिटिव ट्रेड के साथ ही करना चाहूँगा। टेक महिंद्रा ये एक स्टॉक है जिसके साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा, जहाँ पे मुझे लगता है कि आज काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिल सकते हैं। देखिए कल कमज़ोर सेशन था मार्केट्स के लिए, ये स्टॉक में देखिए कल भी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। HPCL का एक ट्रेड है जो कि कल आपको बताया गया था, ऐसा ही रुझान कल इस स्टॉक में भी देखने को मिला था। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पॉजिटिव क्लोजिंग कल इस काउंटर में देखने को मिली, करीब 1% के आसपास के गेंस थे। ज़्यादातर मार्केट्स में अगर आप देखें जो शेयर थे उनमें काफ़ी ज़्यादा पिटाई देखने को मिली थी, तो कल रिजिलियंट था ये काउंटर, कमज़ोर बाज़ार में भी काफ़ी अच्छे गेंस ये काउंटर दिखा रहा था और पॉजिटिव क्लोजिंग हुई, तो ये अपने आप में दर्शा रहा है कि किस तरह के जो मोमेंटम है वो इस स्टॉक में पूरे आईटी स्पेस में देखने को मिला। इनफैक्ट कल जो यूएस के मार्केट्स में रैली हुई थी उसमें भी आईटी शेयरों का काफ़ी अच्छा योगदान था, तो हो सकता है कि आज इंडिया में भी जो आईटी स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर ही ट्रेड करते हुए दिखें। तो टेक महिंद्रा में अगर आप उतरें तो 441 का टारगेट होगा आज के लिए, 428 ये आपका दिन के दौरान स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके अलावा एक और स्टॉक जो कि कल काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में था, बाजार कमजोर था, लेकिन इस स्टॉक में देखिए कल एक तरफा एक ऊपर की चाल देखने को मिली थी, वो है RBL बैंक का। देखिए कल ऐसी खबरें थी कि जो प्री IPO प्लेसमेंट हुआ था इस बैंक में 1 करोड़ शेयरों के आसपास का, उसका जो लॉक इन है वो खत्म हुआ है, जिस वजह से एक एंटीसिपेशन था कि शायद इस काउंटर में बिकवाली आती हुई दिखे। बड़ा एक सेल ऑफ आया भी जिसमें एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी इस स्टॉक में, लेकिन उसके बावजूद देखिए जो ब्लॉक डील हुई तो उसके बाद से एकाएक तेजी का रुझान इस काउंटर में देखने को मिला। तो एक जो हैंगओवर था कि जो बड़े शेयर्स हैं वो मार्केट में आएंगे ऑफलोड होते हुए देख सकते हैं प्री IPO निवेशकों की ओर से, उसका जो इम्पैक्ट आप देखिए बाजार ने पॉजिटिव साइड पर लिया कि जो शेयर्स हैं वो बिकते हुए देखे, और लोअर लेवल से जो इंटरेस्ट था वो काफी स्ट्रॉन्ग था इस काउंटर में। तो एक हैंगओवर खत्म हो चुका है और जिस तरह का इंटरेस्ट है इस काउंटर में, लगता है कि आज तो संकेत अच्छे हैं और भी अच्छे तेजी के रुझान इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। कल की मजबूती के बाद आज एक फॉलोअप बाइंग अगर आती है तो 545 तक के जोन देखने को मिलेंगे, 526 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए मेरा सबसे पहला शेयर है वो है नंदन डेनिम का। नंदन डेनिम को चुनने की वजह है कंपनी के प्रमोटर की तरफ से हिस्सेदारी बढ़ाई गई है कंपनी के अंदर, हाल में ही शेयर में कुछ ऊपरी से जो गिरावट है उसके चलते कुछ यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से हिस्सेदारी बढ़ती दिखाई पड़ी। 24 अगस्त को प्रमोटर ने रफली 0.11% स्टेक जो है वो बाय किया, और उसी ट्रिगर के आधार पर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 145 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 139 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, 140-141 रुपये शेयर का PUSD का भाव है, तो आप खरीदारी कर सकते हैं नंदन डेनिम के अंदर। इसके अलावा जो दूसरा शेयर है खरीदारी के लिए वो है उज्जीवन फाइनेंस का। RBI ने शेड्यूल बैंक की सूची में इसको शामिल किया है,
उज्जीवन बैंक, उज्जीवन फाइनेंस वैसे भी जिस तरह से एक्सपैंड कर रहा है, जिस तरह कंपनी के ऑपरेशन हैं, रिटेल बिजनेस के अंदर कंपनी कारोबार विस्तार कर रही है, और NBFC स्पेस वैसे भी काफ़ी बजिंग है, इन दोनों ही ट्रिगर के आधार पर आप एक अच्छा मूव देख सकते हैं। 338 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं उज्जीवन फाइनेंस में। जो एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है वो 320 रुपये का रहेगा। 325 शेयर का प्रीवियस ईयर का भाव है। इनफैक्ट सुमित, अगर मुझे सही याद है तो उज्जीवन के जब नंबर्स आए तो पहली बार ऐसा ही क्वार्टर था जब इन्होंने बैंक के फॉर्म पे नंबर्स दिए थे, और NPS में एक शार्प एस्केलेशन देखने को मिला था। लेकिन उसके बावजूद भी जो नंबर्स का रिएक्शन था मार्केट में, एक डिप आया उसके बाद लोअर लेवल से काफी स्मार्ट अप मूव इस काउंटर में देखने को मिला था। और अब अगर RBI की ओर से ऐसी खबरें आ रही हैं तो जाहिर सी बात है उज्जीवन में मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी अच्छे जो अप मूव्स है वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो अगला शेयर मेरी लिस्ट में है वो एक बिकवाली का ट्रेड है, जेट एयरवेज। इस काउंटर पर आप नजर रखें, देखिए कल लेटर हाफ ऑफ द डे में इनफैक्ट आखिरी जो कारोबार का घंटा था उसमें एविएशन स्पेस पे काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला था, और काफी ज्यादा वॉल्यूम के साथ हमने देखा था कि जो एविएशन स्टॉक से हमने प्रेशर आया था, डेढ़ गुना ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ हमने देखा जेट एयरवेज में कल जो कारोबार है वो देखने को मिला था। इनफैक्ट जिस तरह से मुंबई में जल भराव है और जो फ्लाइट्स हैं उनको लेकर भी काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, इनफैक्ट जेट एयरवेज और बाकी जो एयरलाइन कंपनी उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि मुंबई से अगर कोई भी फ्लाइट, कोई भी अगर जो पैसेंजर है अपनी फ्लाइट कैंसिल करता है तो कोई भी कैंसिलेशन चार्जेस ये कंपनियां चार्ज नहीं करेंगी। तो शायद हो सकता है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे एविएशन स्पेस में देखने को मिल रहा था, और जो डिस्ट्रप्शन हो रहा है बारिश की वजह से उसका फ्लाइट्स पे भी असर हो रहा है। तो उस वजह से हमने देखा था कल एविएशन जो पूरा स्पेस है वो काफ़ी कमज़ोर था। आज भी मुझे लगता है कि जेट एयरवेज पे कमजोरी रही तो 530 तक का जो डाउन साइड है वो देखने को मिल सकते हैं। 551 का स्टॉप लॉस लगाएं, इसमें आप बिकवाली करके चल सकते हैं। एक और स्टॉक जो कि कल काफ़ी ज़्यादा गिरावट की चपेट में था वो है JP एसोसिएट का। देखिए JP पावर और JP इंफ्रा ये दोनों ऐसे स्टॉक थे जो कि रिजिलियंट थे, मोर और लेस फ्लैटिस या तो फिर पॉजिटिव कारोबार कर रहे थे, लेकिन JP एसोसिएट में कल हमने भारी बिकवाली बनती हुई दिखी। दरअसल खबरें बाजार में ऐसी हैं कि जो RBI ने एक नई लिस्ट जारी करी है जो बड़े NPS की, जिसमें करीब 35 से 40 कंपनियां हो सकती हैं, उसमें शायद JP एसोसिएट का नाम भी शामिल है। शायद यही कारण था कि बाजार में भी हमने देखा था कि लास्ट आवर में फिर से प्रेशर बढ़ा था, और इस काउंटर में भी करीब 9-10% के आसपास ही कमजोरी ही देखने को मिली। JP एसोसिएट में मुझे लगता है कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, उसका जो इम्पैक्ट है आज भी नेगेटिव साइड पर ही देखने को मिलेगा। भले ही आप शॉर्ट ना करें, बिकवाली ना करें, लेकिन यहाँ से खरीदारी करते हुए चेष्टा ना करें। आज के लिए अगर आप शॉर्ट पोजिशन बनाते हैं तो 20 रुपये 30 पैसे ये डाउन साइड में आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। 21 रुपये 50 पैसे का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पर रखना होगा। लेकिन ध्यान रखिए, जितने भी ट्रेड्स आपको बताए जा रहे हैं इतना जीरो इंश्योर करें, एक तो आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है, लेकिन आपको जब टारगेट्स मिलते हैं चाहे ऊपर की ओर या नीचे की ओर, अपना जो मुनाफा है उसे बुक जरूर कर लें। इनफैक्ट बाजार की स्थिति इस तरह की संदीप, जैसे जैसे मुनाफा मिले वैसे वैसे लेके चलें। बहरहाल अमित, तो अगला शेयर है वो है IOC का, जहां पर IOC ने जो बिकवाली किराया है कंपनी ने, LIC ने कंपनी के अंदर हिस्सेदारी बेची है और करीब करीब 8.77% से घटा के हिस्सेदारी 6.74% के आसपास IOC में LIC ने हिस्सेदारी की है। तो हो सकता है थोड़ा प्रेशर एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़े। कल के सत्र में भी थोड़ा दबाव था बाकी जहां पर OMCs के अंदर बाइंग थी, लेकिन IOC करीब करीब 1.5% गिरकर बंद हुआ। हो सकता है थोड़ा प्रेशर एक्सटेंड हो। 428 रुपये के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। 440 रुपये एक्स्ट्रा प्लॉस मेंटेन करें। 434 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। और साथ ही साथ एक और बिकवाली की राय, जैसे थोड़ी पर संदीप बात कर रहे थे जेट एयरवेज की, अब इंडिगो पे भी बिकवाली की राय है। दो तीन वजह हैं, इंडिविजुअल इस कंपनी से रिलेटेड तो वजह है ही, इनके कई सारे प्लेन जो इंजन की वजह से जिनमें कामकाज नहीं हो रहा है, एक तो वजह वो है। दूसरा एविएशन स्पेस में कल सेकंड हाफ में बिकवाली भी आई थी, और तीसरा अब हो सकता है इनके जो ऑपरेशंस हैं मुंबई और महाराष्ट्र रीजन के, वो डिस्टर्ब भी होते हुए दिखाई पड़े। सभी कंपनीज ने कैंसिलेशन चार्जेस भी वेव ऑफ कर दिए हैं, तो रेवेन्यू साइड पर भी थोड़ा सा एक हिट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 1130 रुपये के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। 1180 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1172 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। चलिए, तो 8 शेयर आपके सामने रख दिए गए हैं, जिसमें से मैंने और सुमित दोनों ने कुछ ट्रेड्स खरीदारी के और कुछ बिकवाली के ट्रेड बताए हैं। लेकिन अब बात करते हैं आज के एवरीडे प्रॉफिटेबल शेयर यानी कि EPS शेयर की। देखिए, कल बैंकिंग स्टॉक्स में भी हम देखा था काफी ज्यादा प्रेशर बनता हुआ दिखा था। बैंक ऑफ बड़ौदा तो एक स्टॉक था जिसमें निफ्टी से बाहर होने की खबरें थी, जिस वजह से काफी प्रेशर था। लेकिन J&K बैंक ये एक स्टॉक था जो कि कल के सेशन में काफ़ी ज़्यादा पिटाई दिखा रहा था। देखिए, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ हमने देखा था कि कल इस बैंक में जो पिटाई है वो देखने को मिली थी। 3.5-4% के आसपास की कमजोरी के साथ ये काउंटर कल बंद हुआ। लेकिन आज मुझे लगता है कि जिस तरह के संकेत है, हो सकता है अगर बाजार में पुल बैक आएगा तो शायद जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वही इस जो पुल बैक है उसको लीड करते हुए दिखेंगे। और कल जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला था उन स्टॉक्स में आज एक जो पुल बैक का ट्रेड है वो साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। एक रिकवरी की उम्मीद में आप J&K बैंक में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। वैसे भी अगर आप देखें इस पूरे स्पेस में NPS को लेकर जो दिक्कतें हैं उसमें ये बैंक अगर आप देखें तो शायद थोड़ा सा आपको अलग नजर आएगा। Q1 में जो नंबर्स रिपोर्ट किए गए थे उसमें अगर आप देखें
तो कुछ ऐसे चुनिंदा बैंक जिनके ग्रॉस एनपीए या तो फिर नेट एनपीए में कमी हुई थी उसमें ये बैंक भी शामिल था। और हमने देखा है कि जब भी इसके नंबर्स आते हैं, जब अच्छे नंबर्स आते हैं तो एक शार्प एस्केलेशन इस काउंटर में देखने को मिलता है। तो उस लिहाज से देखा जाए एक हाई बीटा नेचर का काउंटर है जहाँ पे अच्छी खबरों पर काफी स्विफ्ट अप मूव देखने को मिलता है और खराब खबरें आती है तो काफी ज्यादा पिटाई भी देखने को मिलती है। कल संकेत खराब थे इस काउंटर में, कल हमने निजी करेक्शन नीचे की ओर आते हुए देखा, लेकिन आज संकेत बेहतर है तो मुझे लगता है कि एक पुल बैक का ट्रेड अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स में लेना चाहें तो जेएनके बैंक शायद एक प्रेफरेबल बैंक हो सकता है। आज के लिए अगर आप खरीदारी के लिए उतरे तो 81 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 77.50 का लेकिन आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए, मेरी तरफ से जो शेयर बताया जा रहा है वो खरीदारी की साइड पर है और मैंने खरीदारी के लिए चुना है गुजरात अपोलो को। कंपनी Q1 में घाटे से मुनाफे के अंदर आई है। एक पहला ट्रिगर तो कंपनी से रिलेटेड यही है, 37 लाख के घाटे के मुकाबले करीब करीब 10 से 10.5 करोड़ रुपए का कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया। तो एक स्टॉक स्ट्रॉन्ग कंपनी के नंबर्स में रिवर्सल आता हुआ दिखाई पड़ा है, जिस तरह के नंबर्स दिए हैं नंबर्स के आधार पर ही एक मूव देखने को मिल सकता है। 190 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 178 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। 180 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। चलिए, अब तक मैंने 5 शेयर बताए हैं, एक एक करके सभी पर नजर डाल लेते हैं। 2 शेयर बिकवाली के लिए और 3 शेयर खरीदारी के लिए आपको बताया जा चुके हैं। शुरुआत में नंदन डेनिम के साथ की खरीदारी की राय दी गई 145 रुपये के टारगेट्स के लिए, 170 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वो जीवन फाइनेंस में आप खरीदारी कर सकते हैं 338 रुपये के टारगेट्स के लिए, 440 रुपये का एक स्टॉप लॉस, 340 रुपये का माफी आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। IOC में आप 428 के टारगेट्स के लिए बिकवाली कर सकते हैं, 440 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसके अलावा इंडिगो में आप 1130 रुपये के टारगेट्स के लिए बिकवाली कर सकते हैं, 1180 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और साथ साथ गुजरात अपोलो 190 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 178 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। 3 ट्रेड्स खरीदारी के और 2 बिकवाली के ट्रेड्स मैंने भी आपको बताए थे। शुरुआत मैंने टेक महिंद्रा के साथ करी थी, कल के कमजोर बाजार में काउंटर काफी रेजिलिएंट था। आज खरीदे तो 441 का टारगेट प्राइस, 428 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। RBL बैंक कल जो प्री IPO शेयर थे उनका प्रेशर था मार्केट में, उसके बावजूद भी मजबूत क्लोजिंग हुई। मुझे लगता है कि आज भी जो मोमेंटम है सस्टेन करता हुआ दिखेगा। 545 का टारगेट, 526 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। लेकिन 2 बिकवाली के ट्रेड जेट एयरवेज, इसमें बिकवाली करें। कल लेटर हाफ ऑफ द डे में काफी ज्यादा बिकवाली का प्रेशर था, वॉल्यूम के साथ काउंटर गिरा, पूरे स्पेस में प्रेशर था। आज भी अगर बिकवाली होती है तो 530 तक के डाउन ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। JP एसोसिएट हो सकता है कि जो अगली लिस्ट NPS की जारी करने वाला है RBI, उसमें इस कंपनी का नाम हो सकता है, ऐसी आशंका है। तो हो सकता है आज फिर से बिकवाली बढ़ती हुई दिखे, 20 रुपये 30 पैसे का टारगेट लेके इसमें आप बिकवाली कर सकते हैं। और बतौर EPS शेयर JNK बैंक को मैंने शामिल किया था, कल गिरावट हुई थी लेकिन आज संकेत अच्छे हैं, एक रिकवरी की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगर रिकवरी होती है तो 81 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं, 77.50 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए, 10 शेयर आपको बताए जा चुके हैं और 10 में से करीब करीब 4 शेयर बिकवाली के लिए बताए गए हैं, 6 शेयर खरीदारी के लिए बताए गए हैं।